हेलो एवरीबॉडी आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं भारत की जो संविधान है संविधान में भी विशेषकर हम लोग चर्चा करेंगे आज संविधान सभा के बारे में संविधान सभा से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं आ, हम लोग बात करेंगे संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ संविध संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसके अलावा संविधान सभा के कार्य क्या थे संविधान सभा में जो मेंबर्स थे वो किस तरह से लिए गए यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं देखिए अगर हम लोग बात संविधान सभा की कर रहे हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी हम लोग बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में तो इस संदर्भ में बात करने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी है 1922 में उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए एक तो बात ही है दूसरी बात एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है और वो प्रश्न होगा कि अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए तो ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखें अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए लेकिन इसको हमने स्वीकार नहीं किया था उसका कारण था अंग्रेजों ने कहा कि इस संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय लोग होंगे इस पर हमको आपत्ति थी मुख्यतया भारतीय होने का सीधा सा मतलब यह था कि उसमें बहुत सारे अन्य लोग भी हो सके आ, हो सकते हैं तो गांधी जी और कांग्रेस और उस समय के जितने भी जो संगठन थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को इस वजह से स्वीकार नहीं किया था इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में रखा गया था सर्ड, क्रिप्स के द्वारा रखा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी लेकिन इसमें भी दिक्कत थी इसको भी हमने स्वीकार नहीं किया था इसको स्वीकार नहीं करने का जो मुख्य कारण था वो कारण ये था कि इसमें साफ लिखा हुआ था इसमें साफ लिखा हुआ था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो हमने कहा युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्यों युद्ध के दौरान क्यों नहीं इस वजह से हमने स्वीकार नहीं किया और शायद आप लोगों को याद होगा इसमें तो क्या दिया तो यह तो एक ऐसे दिवालिया बैंक का चेक है जिसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने तो यह सारी बातें अक्सर पूछी जाती है तो कृप्त प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना संविधान सभा के बारे में लेकिन प्रश्न ये है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एटली की व इंग्लैंड में सरकार बनी और ये जो सरकार बनी इस सरकार में तीन कैबिनेट मंत्रियों को हिंदुस्तान में भेजा गया था उन तीन कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है उस समूह को कैबिनेट मिशन कहा जाता है और भारत की जो संविधान सभा है वो संविधान सभा इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही गठित की गई थी इस कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे सर पैथिक लॉरेंस सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की क्रिप्स प्रस्ताव में वे इसके सदस्य थे और एक सदस्य थे एवी एलेक्सेंडर ये जो कैबिनेट मिशन है इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई उस योजना के तहत संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे अब देखिए यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं एक तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे उस समय आंकड़ा लिखना है थ्री और इससे भी बढ़िया प्रश्न ये है कि संविधान सभा में सारे सदस्य कौन लोग थे क्या सभी निर्वाचित थे सभी मनोनीत थे या निर्वाचित तो और मनोनीत दोनों थे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि संविधान सभा में जो मेंबर्स थे वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे निर्वाचित कहां से थे और मनोनीत कहां से थे इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप जानते होंगे उस समय भारत दो भागों में बटा था एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे उसे हम लोग अंग्रेज भारत कहते हैं और उस अंग्रेज भारत से दो प्लस चार यानी टू ये दो सदस्य लिए गए थे जबकि देसी भारत यानी ऐसा भारत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था भारत की जनता और अंग्रेजों के बीच में जहां राजा महाराजा थे उसे देशी भारत कहा जाता है उस देशी भारत से 93 मेंबर्स लिए गए थे अब प्रश्न क्या है प्रश्न यह कि संविधान सभा में सदस्य किस रूप में लिए गए थे तो याद रखेगा इस अंग्रेज भारत से जो टू मेंबर्स है वो निर्वाचित हुए जबकि जो तिरानवे सदस्य हैं ये देसी भारत से लिए गए और ये सारे के सारे सदस्य मनोनीत एक तो बात है ये दूसरी बात आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 389 का आंकड़ा आया कैसे है? 390 ले लेते ले 400 ले लेते 420 ले लेते 380 ले लेते तो आपको बता दें जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आया और संविधान सभा के बारे में जब उसने विचार विमर्श किया उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी तो संविधान सभा का ये जो गठन हो रहा था कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन ने एक आंकड़ा फिक्स किया कि एक जो मेंबर होगा वो कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए इस वजह से 40 करोड़ की जनसंख्या होने के कारण हमारी जो संविधान सभा जो बनने वाली थी इसमें 389 एटी मेंबर्स लिए गए थे इसको भी थोड़ा ध्यान रखें अब देखिए एक प्रश्न यहां से बनता है दो सौ सदस्य अंग्रेज भारत से लिए गए चार सदस्य भी अंग्रेज भारत से लिए गए यानी कुल मिलाकर हो गए दो सौ सदस्य ये जो चार है ये चार क्या है जिस तरह से हिंदुस्तान में अभी सात केंद्र शासित प्रदेश है ठीक उसी प्रकार से देश की आजादी से पहले हमारे यहां चार चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे हर एक चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से एक एक सदस्य लिया गया था उस समय कौन कौन से प्रांत थे चीफ कमिश्नर वाले एक दिल्ली था बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है एक इसके बाद में हमारा जो राजस्थान का अजमेर अजमेर मेरवाड़ा एक जॉइंट रूप में इसका नाम याद रखना है अजमेर मेरवाड़ा भी चीफ कमिश्नरी प्रांत था ये दो हो गए तीसरा था कुर्ग जो आजकल कर्नाटक में है कुर्ग से एक मेंबर लिया गया और एक मेंबर लिया गया था बलूचिस्तान से जो आजकल पाकिस्तान में ये जो चार चीफ कमिश्नरी प्रांत है इनको याद रखना है प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है संविधान सभा में जो चार सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रांत है अथवा नहीं है इसको थोड़ा ध्यान रखें दिल्ली वर्तमान का दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा अपने वाला अजमेर कुर्ग मैंने कहा कर्नाटक में है और ये जो बलूचिस्तान है बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में है तो इस प्रकार से टू मेंबर्स तो हो गए अंग्रेज भारत से और तिरानवे सदस्य हो गए देसी भारत से नौ दिसंबर उन्नीस संविधान सभा की पहली बैठक हुई अब एक प्रश्न यहां पर बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है 9 दिसंबर 1946 को जब यह पहली बैठक हुई आप सब लोग जानते हैं इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की यहां एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछा जा सकता है 9 दिसंबर 1946 को यह जो पहली बैठक हुई इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्यों की नंबर एक नंबर एक उनका चुनाव हुआ था नंबर दो ब्रिटिश सरकार ने उनको मनोनीत किया था या वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इसका सही आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने हमारी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता इसलिए की क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इस वजह से उन्होंने अध्यक्षता की तो इस प्रकार के प्रश्न कभी आज तक पूछे नहीं गए आप ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते एक दूसरी बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 9 दिसंबर उन्नीस को ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया यहां दो तीन प्रकार के बहुत अच्छे सवाल हो सकते हैं देखिए, ये जो मुस्लिम लीग 9 दिसंबर की बैठक का बहिष्कार करेगी तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल चर्चिल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं और वो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किए जाने के कारण चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक एस, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है तो याद रखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया तो यह स्टेटमेंट चर्चिल ने दिया एक तो बात यह ध्यान रखनी है आपको 9 दिसंबर उन्नीस को बैठक प्रारंभ हो गई और इस बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा ये जो पहली बैठक हुई इस पहली बैठक में दो लोगों ने भाग लिया संविधान सभा के 207 मेंबर्स भाग लेते हैं एक और प्रश्न हो सकता है इसमें महिलाएं कितनी थी तो महिलाएं थी नौ अब देखिए ये तो सब परंपरागत बातें हैं नए प्रकार के प्रश्न क्या हो सकते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि हमारी जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो संविधान सभा में 389 मेंबर होने चाहिए थे फिर 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हो रही है इस पहली बैठक में केवल 207 मेंबर कैसे आ रहे हैं इतने मैं कम मेंबर कैसे तो आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी उन किताबों में यह लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया पहली बैठक का इस वजह से ऐसा हुआ देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया लेकिन मुस्लिम लीग के तो सदस्य टोटल तिहत्तर ही थे जबकि आपके पास आंकड़ा थ्री का है तो 389 में से तेहत्तर निकालते हैं तो दो तीन सौ सो सोलह आते हैं जबकि मेंबर तो केवल 207 आ रहे हैं इसका क्या जवाब देंगे तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा पहली बैठक में कम सदस्य आने के दो बड़े कारण थे एक मुस्लिम लीग के तिहत्तर सदस्य जो थे तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया एक बड़ा कारण है और दूसरा कारण हम बात कर करें दिसंबर उन्नीस की और आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद होता है उन्नीस सौ तक देसी रियासतों ने अपना भविष्य ही तय नहीं किया था उनको यह पता ही नहीं था कि उनको जाना कहा है और अगर उनको जाना हिंदुस्तान में है तो संविधान सभा में किसको सदस्य के रूप में भेजे जाएंगे तो 93 का एक बड़ा आंकड़ा जो देसी रियासतों से आना था वो आया नहीं और 73 का जो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार जो किया गया वो लोग आए नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से संविधान सभा में केवल पहले दिन की बैठक में दो लोग ही पहुंचे इसको थोड़ा ध्यान रखें आप इसके बाद में अच्छा सा प्रश्न होता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 13 दिसंबर यहाँ एक और अच्छा प्रश्न हो सकता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है पहले तो हमको यह पता होना चाहिए देखिए भारत के संविधान की जो वर्तमान की जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना का आधार यह उद्देश्य प्रस्ताव ही है बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है तेरह दिसंबर उन्नीस को पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव वह उद्देश्य प्रस्ताव इस प्रस्तावना का आधार एक दूसरी बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या भारत का जो भावी संविधान हम लोग जो बनाने जा रहे थे जिस आयन का हम लोग निर्माण करने जा रहे थे उस आयन के उस संविधान के उस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उद्देश्य होंगे सरकार की प्रकृति कैसी होगी सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करेगी इन सारी बातों का उल्लेख तेरह दिसंबर उन्नीस को यह जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया इसमें था एक बात दूसरी बात ये उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन स्वीकार नहीं हुआ था संविधान सभा के कई सारे सदस्य थे जिसमें एम आर जयकर भी थे डॉक्टर अंबेडकर भी थे उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक हमको उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए इस वजह से हमारा संविधान सभा का यह जो प्रथम अधिवेशन है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया लेकिन पारित नहीं हो पाया 22 जनवरी ये डेट भी याद रखनी है 22 जनवरी उन्नीस को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव की चार बातें पंडित नेहरू ने रखा तेरह दिसंबर उन्नीस को रखा संविधान के क्या उद्देश्य है इस बात का उल्लेख है पहले अधिवेशन में पारित नहीं हुआ 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है इसके बाद में एक बहुत बड़ा विवाद है संविधान सभा की जब बात करते हैं भारत का संविधान की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें हैं इसको भी स्पष्ट करना जरूरी है देखिए संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में कहीं डॉक्टर अंबेडकर का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन हम लोग जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं इवन संविधान सभा के एक सदस्य के वी राव तो उन्हें भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों कहते हैं प्रारंभिक बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव हार जाते हैं पहली बात। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल बंगाल से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए और डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं लेकिन जैसे जैसे अगस्त उन्नीस नजदीक आएगा भारत के विभाजन की, की तस्वीर साफ साफ जब आपको नजर आने लग जाएगी भारत का जब विभाजन हो जाएगा तो डॉक्टर अंबेडकर जिस बंगाल कि जिस एरिया से जीत कर आए वो एरिया था जयसुर ये जो जयसुर कुलना वाला जो एरिया है वो एरिया पाकिस्तान में चला जाएगा पूर्वी पाकिस्तान में चला जाएगा जिसको आजकल हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर की ये सीट जो है वो खाली हो जाएगी डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे इसके बाद में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है हमारी जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है बी एन राव बीएन राव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब ये कहा जाएगा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान जरूरी है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था बीजी खैर को एक पत्र लिखा जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर के लिए बॉम्बे से संविधान सभा में स्थान रिक्त करवाया जाएगा एम आर जयकर अपने पद से इस्तीफा देंगे डॉक्टर अंबेडकर के लिए सीट खाली करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे अब देखिए यह एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहा से सदस्य थे बंगाल से थे बॉम्बे से थे मद्रास से थे या उड़ीसा से थे अगर बॉम्बे और बंगाल दोनों ऑप्शन हो तो आपको बॉम्बे ही लिखना है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इनिशियल स्टेज में बंगाल से थे और उनका एरिया पाकिस्तान में चला गया तो इसके बाद में वो बॉम्बे से ही सदस्य रहे लेकिन अगर द द वे वे अगर वहां पर बॉम्बे ऑप्शन नहीं हो और वहां बंगाल हो और कोई तीन ऑप्शन दूसरे हो तो गलत होते हुए बंगाल लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो जिस जिसने पेपर बनाया वो बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर को सदस्य मान रहा है जबकि याद ये रखना है डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल से सदस्य थे बाद में वो बॉम्बे से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे डॉक्टर अंबेडकर की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रारूप समिति के बारे में चर्चा किए बिना हम लोग नहीं रह सकते देखिए संविधान का प्रारूप जो है वो सर बी एन राव ने तैयार किया था बैनेगल नरसिंह राव इनका नाम आपको कई सारी वजहों से याद रखना है ये हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा और संविधान के निर्माण से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि हमको ऐसा लग सकता है कि शायद सर बी एन राव भी हमारी संविधान सभा के सदस्य होंगे लेकिन याद रखिएगा सर बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो संविधानिक सलाहकार थे आईसीस अधिकारी थे और उन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएं संविधान के निर्माण के लिए दी बहुत अच्छे जानकार थे संविधान के बर्मा का संविधान को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है सर बी एन राव ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था ड्राफ्ट तैयार किया था साथ ही साथ आपको एक बात और भी बता देते हैं सर बी एन राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जो भी जज रहे हैं उनमें पहले जो जज है वो सर बी एन राव ही रहे इन्हीं सर बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया सर बी एन राव ने जो प्रारूप तैयार करके दिया उस प्रारूप पर विचार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति अब देखिए यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है ये जो प्रारूप समिति है ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका एक और नाम भी है पांडु लेखन समिति कई बार ऐसे टिफिकल शब्द कठिन शब्द लिख लेते हैं एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे और हम लोग सोचते रहते हैं कि इतनी सारी समितियां पढ़ ली तो ये पांडु लेखन क्या है प्रारूप समिति कहिएगा पांडु लेखन समिति कहिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी कहिएगा तीनों एक ही बात है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति गठित की गई डॉक्टर अंबेडकर समेत इस प्रारूप समिति में कुल सात लोग सदस्य थे इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप प्रारूप समिति में टोटल सात मेंबर थे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर खुद भी हैं। अब देखिए यहां पर दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक प्रारूप समिति में कौन कौन लोग थे तो सातों के सातों के नाम अपने को पता होने चाहिए प्रारूप समिति का काम किया था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना उसका काम नहीं था जैसा कि नाम से लगता है प्रारूप समिति का काम था सर बी एन राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया है उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना इस प्रारूप समिति का काम था दो तीसरी बात ये जो सात सदस्य हैं वे कौन कौन है बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष हैं इसके बाद में गोपाला स्वामी आयंगर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे मोहम्मद सादुला मोहम्मद सादुला मुस्लिम लीग के थे ये चौथे व्यक्ति थे पांचवे थे के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखना इसके बाद में छठे व्यक्ति टीटी कृष्णामाचारी टीटी कृष्णामाचारी जब एक मेंबर थे डीपी खेतान साहब खेतान साहब का जब निधन हो गया टी टी कृष्णम को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया और सातवें जो सदस्य थे वो थे माधवराव अब देखिए एक प्रश्न पूछ लिया गया अभी हाल ही में किसी आर एस के एग्जाम में शायद पूछा गया था कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे अब देखिए ये प्रारूप समिति के जो सात सदस्य मैंने बोले हैं इन इनमें से मोहम्मद सादुला को अगर आप छोड़ दीजिए तो छह के छह कांग्रेसी है तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछा गया एक्चुअली में कांग्रेस के संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या थी 208। 208 इन 208 में से 30 मेंबर ऐसे थे कांग्रेस के बैनर तले जीते थे लेकिन कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं था बेसिकली वे कांग्रेस नहीं थे कांग्रेस ने इन्हें संविधान सभा का सदस्य इसलिए बनाया था कि ये लोग चूंकि अलग अलग वर्ग के थे कोई उद्योगपति था कोई विधि शास्त्री था कोई समाज सेवी था लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे तो ऐसे वर्गों का प्रतिनिधित्व तो देने के लिए ही ही पांचों लोग हैं वो भी कांग्रेस के बैनर तले ही जीते थे कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे लेकिन कांग्रेस से उनका कोई निकट का संबंध पहले से नहीं था इसलिए जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर के एम मुंशी बनता बाकी सब लोग कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे इस प्रारूप समिति ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर अंबेडकर की जब हम लोग बात करते हैं तो दो तीन बातें यहां और स्पष्ट हो जानी चाहिए एक तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है हिंदू धर्म की पहेलियां रिडल्स ऑफ हिंदुज्म बुक के राइटर थे डॉक्टर अंबेडकर एक और दूसरी बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ध्यान रखना थॉट्स ऑन द पाकिस्तान पाकिस्तान पर विचार अंबेडकर की वह पुस्तक है जो 1940 में लिखी गई यानी पाकिस्तान की स्थापना के सात साल पहले लिख दी डॉक्टर अंबेडकर इतने विजनरी थे इतने दूरदृष्टि थे कि उन्होंने सात साल पहले ही इस बात की कल्पना कर ली कि पाकिस्तान बन कर रहेगा तो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें अब देखिए संविधान सभा पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ बातें और आती है जैसे इस संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने हुए इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है एकदम क्लियर कर देते हैं संविधान सभा के कुल अधिवेशन बारह हुए लेकिन बहुत सारी किताबों में ग्यारह लिखे हुए आपको ध्यान रखना टोटल अधिवेशन बारह ग्यारह प्लस एक, एक ग्यारह प्लस एक क्यों कह रहा हूं चौबीस जनवरी उन्नीस को जब हमारे संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई इस अंतिम बैठक को भी अगर अधिवेशन के रूप में काउंट करते हैं तो टोटल अधिवेशन हो जाएंगे बारह ग्यारह प्लस एक।, एक तो इस बात को ध्यान रखना है दूसरा एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी कहीं जगह नौ लिखा हुआ है कहीं जगह पंद्रह लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान रखें संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उस पहली बैठक में नौ महिलाओं ने भाग लिया लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल पंद्रह महिलाएं थी लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला तो ध्यान रखना बेगम अयाज रसूल बेगम अयाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दबो में गाइड्स में विशेषकर अलग अलग लिखा हुआ है पंद्रह महिला सदस्य थी इसको थोड़ा ध्यान रखना एक और कंफ्यूजन रहता है राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य कितने थे कहीं लिखा हुआ ग्यारह कहीं लिखा हुआ बारह कहीं इवन चौदह भी लिखा हुआ है कहीं पंद्रह भी लिखा हुआ है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें संविधान सभा में टोटल राजस्थान से जो मेंबर्स थे वो पंद्रह थे ये जो आंकड़े अलग अलग क्यों लिखे हैं इसको क्लियर कर देते हैं देखिए शुरू में हमने जब बात की तब तो हमने बात इस तरह से की कि जो देशी भारत था उस देशी भारत से नाइन्टी मेंबर लिए गए राजस्थान चूंकि देशी भारत का ही भाग था इस वजह से 93 में से 14 सदस्य राजस्थान से ही लिए गए अभी नाम भी देखेंगे हम लोग दूसरा फिर ये पंद्रह का आंकड़ा क्यों लिखा अभी हम लोगों ने बात की कि चार चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और चीफ कमिश्नरी प्रांत में एक था अजमेर मेरवाड़ा एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से लिए गए मुकुट बिहारी लाल भार्गव मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे और बाकी चौदह सदस्य उन नाइनटी थ्री मेंस में से थे जो हमारी देशी रियासतों से लिए गए थे दैट्स प्लस हो जाते उसमें भी देखिए आप ये जो चौदह सदस्य इन चौदह सदस्यों को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं ऐसे सदस्य जो प्रजामंडल से संबंधित थे और ऐसे सदस्य जो राजा महाराजाओं को प्रतिनिधित्व करते थे चाहे वो माणिकलाल वर्मा हो चाहे वो हीरालाल शास्त्री हो चाहे वो जय नारायण व्यास हो चाहे वो रामचंद्र उपाध्याय हो चाहे वो गोकुललाल असावा हो चाहे वो राज बहादुर हो चाहे वो बलवंत सिंह मेहता हो ये सारे वो लोग थे जो राजस्थान में प्रजा मंडल से जुड़े हुए थे इसके अलावा राजा महाराजों की अगर बात करें तो सरदार सिंह जसवंत सिंह दिलेल सिंह ये वो लोग थे जो राजा महाराजाओं से जुड़े हुए थे तो कुल मिलाकर ये संविधान सभा में अगर राजस्थान से सदस्य संख्या पूछे तो याद रखना है पंद्रह सदस्य थे और उसमें अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे इसको भी थोड़ा ध्यान रखें संविधान सभा में और क्या प्रश्न बन सकते हैं संविधान सभा में प्रश्न जो बढ़िया वाले प्रश्न बनते हैं इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं इसको कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर कर लेते हैं ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर नाइनटीन को भारत का संविधान आंशिक यानी पार्शियली लागू हुआ अब देखिए आंशिक रूप से लागू होने की वजह से इसे हम लोग वेदी दिवस के रूप में मनाते हैं ये तो सबको पता है लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर फोर्टी नाइन को जो भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो रहा है इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में गाइड्स में कि इस दिन पंद्रह अनुच्छेद लागू हुए ये पंद्रह नहीं है यह टोटल सोलह अनुच्छेद है यह पंद्रह और सोलह का कंफ्यूजन क्यों हो गया इसको क्लियर कर देते हैं भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है थ्री नाइनटी फोर याद रखें अनुच्छेद तीन सौ चौरानवे अनुच्छेद तीन सौ चौरानवे में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जरा सुने इसको अनुच्छेद में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो ट्वेंटी को लागू हुए और उनमें साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद पांच छह सात आठ और नौ यानी नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो इस दिन लागू हुए उसमें साफ लिखा हुआ अनुच्छेद साठ यानी जो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो इस दिन लागू हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है थ्री सिक्सटी सिक्स जो परिभाषा है अलग अलग जो संविधान में जो परिभाषा दे रखी है थ्री सिक्सटी सिक्स उस दिन लागू हुआ थ्री सिक्सटी सेवन उस दिन लागू हुआ थ्री एटी अनुदेद तीन सौ अस्सी जो इंट्रीम प्रेसिडेंट की बात करता है वो भी ट्वेंटी फोर्टी नाइन को लागू हुआ और खुद अनुच्छेद तीन सौ चौरानवे भी उस दिन लागू हुआ अगर अनुच्छेद तीन सौ चौरानवे को खुद को काउंट करते हैं तो कुल अनुच्छेदों की संख्या आती है सोलह 26th ऑफ नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए जिसमें नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 वो भी लागू हुआ इसके अलावा जो भारत के इंट्रीम प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होने से पहले जो 2 साल की अवधि तक जो अस्थाई राष्ट्रपति रहे उससे संबंधी जो अनुच्छेद है 380 वो भी इस दिन लागू हुआ इन सारे बातों को अगर काउंट करते हैं तो आंसर आता है सोलह बढ़िया प्रश्न हो सकता है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें इसके अलावा चूंकि भारत का संविधान आंशिक रूप से इस दिन इस दिन लागू हुआ वजह से इसे हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे देश के एक बहुत बड़े विधि वेता रह चुके हैं राजस्थान जोधपुर से संबंधित रहे हैं लक्ष्मी मल सिंघवी लक्ष्मी मल सिंघवी जी के एडवाइस पर ही इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर का भारत के संविधान के निर्माण में जो योगदान है उस योगदान को रेखांकित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जब 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो हमारी संसद का एक विशेष अधिवेशन ट्वेंटी ऑफ नवंबर को बुलाया गया और न केवल विशेष अधिवेशन बुलाया गया बल्कि इसे विधि दिवस से कन्वर्ट करके हमने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया इन सब बातों को आप ध्यान रखें दो बढ़िया प्रश्न हो सकते हैं 26th of November 1949 को भारतीय संविधान के जो 16 अनुच्छेद लागू हुए उस बात का उल्लेख अनुच्छेद तीन में एक दूसरी बात भारत का संविधान ये आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से ये क्या बात हुई आंशिक रूप से लागू हुआ पूर्ण रूप से लागू हुआ इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है तो देखिए लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन आप याद कीजिए उन्नीस दिसंबर में हुआ था उसमें कांग्रेस ने साफ घोषणा की कि प्रति वर्ष छब्बीस जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे छब्बीस जनवरी उन्नीस को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया चूंकि देश 15 अगस्त उन्नीस को आजाद हो गया इस वजह से हम लोग पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि ये जो 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक जो महत्ता वाली जो तिथि है उसकी ये महत्ता कम नहीं हो जाए इसका महत्व कम नहीं हो जाए इस वजह से संविधान निर्माण होने के बावजूद भी संविधान अंगीकृत करने के बावजूद भी हमने ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया और जो बाकी वाले जो प्रावधान है उनको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया संविधान सभा में और क्या प्रश्न हो सकते हैं 24 जनवरी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जैन नाइनटीन फिफ्टी जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई यहां बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं इस अंतिम बैठक में दो काम हुए एक हमारी संविधान सभा के दो सौ सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए एक तो यह याद रखना है दूसरी बात पंडित नेहरू वाज़ द फर्स्ट देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए एक तो बात ही है दूसरी बात आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि थ्री एटी तो 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत और साइन करने वालों की संख्या केवल दो कैसे रही इसको भी क्लियर करना चाहते हैं देखिए चूंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया प्रश्न आ सकता है मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर रहे? तो याद रखिएगा 324 का आंकड़ा याद रखना है आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि 389 मेंबर थे टोटल मुस्लिम लीग के तिहत्तर सदस्य थे वो बहिष्कार करते हैं तो 316 का आंकड़ा आना चाहिए 324 का आंकड़ा कैसे आ रहा है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही है इसका कतई ये तात्पर्य नहीं है कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार किए जाने के बावजूद भी मुस्लिम लीग के बैनर तले जो लोग जीते वो हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं अभी मैंने बोला था नाम प्रारूप समिति के एक सदस्य थे मोहम्मद सादुला वो मुस्लिम लीग से ही तो थे नुसरत मोहानी वो कहां से थे वो भी मुस्लिम लीग से थे तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी तो सारे मेंबर बहिष्कार करेंगे ये जरूरी नहीं है प्रश्न आता है मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद कितने मेंबर थे 324 एक प्रश्न आता है 15 अगस्त उन्नीस को संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे 299 नाइनटी दो सौ निन्यानवे और प्रश्न आता है हमारे संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तो दो सौ चौरासी अब कई बार विद्यार्थी पूछते हैं यह कम कैसे हो गए तो देखिए अभी मैंने नाम बोला नुसरत मोहानी वो संविधान सभा के हमेशा मेंबर रहे हर बैठक में वो भाग लेते रहे लेकिन उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए उन्होंने कहा मैं इस संविधान को नहीं मानता तो इस वजह से आंकड़ा तो कम आना है टू का आंकड़ा ध्यान रखेगा एक दूसरा काम दूसरा काम चौबीस जनवरी को जो किया गया वो किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और जैसे ही मैं निर्वाचित शब्द बोलता हूं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे मैं इस बात को समझ सकता हूं देखिए हमेशा ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का कार्य क्या था तो यहां थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं नाम से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा संविधान के निर्माण का काम करती है वैसे संविधान निर्माण का ही काम था उसका लेकिन याद रखना हमारी इस संविधान सभा के दो कार्य थे संविधान निर्माण का भी काम करती थी संविधान निर्माण का जब काम करती थी संविधान सभा उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यही संविधान सभा यही संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी दो शिफ्ट में उसकी मीटिंग होती थी सुबह की शिफ्ट में मान लीजिए संविधान का निर्माण का काम किया उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की और समझ लीजिए शाम की शिफ्ट में संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है तब जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी उस समय हमारी इस संविधान सभा की अध्यक्षता जी वी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे अब ये बात मैंने आपको यहां पर क्यों बताई उसका कारण है उसका कारण ये है 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा डॉ राजेंद्र प्रसाद का चुनाव करेगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में तो विद्यार्थी दो प्रकार के प्रश्न पूछते हैं एक संविधान सभा को यह अधिकार किसने दिया और दूसरा निर्वाचन शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं एकदम क्लियर कर देते हैं संविधान सभा के दो काम है संविधान का निर्माण करना और यही संविधान सभा एक और भी तो काम कर रही है संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में काम राष्ट्रपति के रूप में जब चुन रही है तो वो संविधान सभा संविधान सभा नहीं है वो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करते हुए ऐसा कर रही है एक और दूसरी बात विद्यार्थी कहते हैं कि निर्वाचन शब्द कैसे बोला मनोनीत क्यों नहीं बोला अरे भाई मनोनीत इसलिए नहीं बोला निर्वाचित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान सभा ने बाकायदा ऑर्डर निकाला था कि जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो भरिए है। एक ही आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस वजह से निर्वाचन हुआ है संविधान सभा की बैठक जो 24 जनवरी 1950 भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया इसको थोड़ा ध्यान रखें वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भारतीय संविधान का इस अनुच्छेद 380 अब खत्म कर दिया गया है इस अनुच्छेद 380 में साफ शब्दों में इंटरम प्रेसिडेंट अंतरिम राष्ट्रपति यानी जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती है संविधान लागू होने के बाद में जब तक देश में संसद और राज्य की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अंतरिम राष्ट्रपति का जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान अनुच्छेद 380 में ही था जिसे अब हमने समाप्त कर दिया इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तीन प्रश्न और आते हैं एक तो भारत के संविधान जो है उसका टाइटल क्या है उसका शीर्षक क्या है ये बड़ा बचकाना जैसा सवाल लग सकता है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है भारत के संविधान का जो शीर्षक है वो है भारत का संविधान आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ये कहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीन सौ तिरानवे आर्टिकल थ्री नाइन थ्री में ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय संविधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शीर्षक भारत का संविधान एक दूसरी बात तीन सौ चौरानवे में क्या लिखा हुआ है अभी तक जो जाना आपने तीन सौ चौरानवे में यह लिखा हुआ है कि जो सोलह अनुच्छेद है वो लागू हुए और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि वो ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को लागू हुए लेकिन प्रश्न ये नहीं है प्रश्न ये है कि ये सोलह अनुच्छेद तो लागू हो गए लेकिन बाकी वाले अनुच्छेद कब लागू होंगे ये कहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 394 में ही लिखा हुआ है कि इन 16 अनुच्छेदों के अलावा भारतीय संविधान का जो शेष भाग है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है इसको थोड़ा ध्यान रखें 394 में दो बातें हैं 16 अनुच्छेद लागू होंगे और इन 16 अनुच्छेदों के अलावा बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे इस बात का उल्लेख अनुच्छेद तीन में फिर देखिए भारत आजाद हुआ 15 अगस्त उन्नीस को 15 अगस्त उन्नीस से लगाकर 26 जनवरी 1950 जब तक भारत का संविधान कंप्लीटली लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ तब तक देश की व्यवस्था कैसे रही तो आप शायद जानते होंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा लोग अधिनियम उन्नीस सौ सैतालीस जो है उस अधिनियम में यह प्रावधान कर रखा था कि देश की आजादी के बाद जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा इस बात का उल्लेख भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस में था अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि यह बात मैंने क्यों कही है आपको यहां पर ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि भारतीय संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है दैट इज आर्टिकल 395, क्या लिखा हुआ है उसमें अनुच्छेद तीन सौ में क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद तीन सौ में यह लिखा हुआ है कि ये जो 1935 का अधिनियम जो कि भारत में लागू है और कब तक लागू था 26 जनवरी 1950 तक यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के द्वारा समाप्त कर दिया गया इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस जो है वो और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये दोनों अधिनियम अनुच्छेद तीन सौ जो कि भारतीय संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है उसके द्वारा समाप्त किया गया इसको भी थोड़ा ध्यान रखें संविधान सभा की जब हम लोग बात करते हैं और क्या क्या बातें हो सकती है संविधान सभा के बारे में दो तीन बातें और महत्वपूर्ण है एक डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की उसके बारे में प्रश्न हो सकता है और एक हमारी जो संविधान सभा है उसकी कुछ लोगों ने आलोचना की है देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारी जो संविधान सभा है उसको हिंदुओं की संस्था किसने कहा आप लोगों ने शायद गाइड वगैरह में पढ़े होंगे हिंदुओं की संस्था के लिए जिस व्यक्ति का नाम आता है वो आता है चर्चिल का लेकिन याद रखिएगा विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था नहीं कहा विंसेंट चर्चिल जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा है एक जाति की संस्था कहा है चर्चिल ने इस बात को ध्यान रखें दूसरी बात तो फिर हिंदुओं की संस्था किसने कहा याद करिएगा 1919 का हमारा एक्ट बना था उस एक्ट में लास्ट लाइन ये लिखी हुई थी कि 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा, इसकी समीक्षा करने के लिए हम एक आयोग का गठन करेंगे और 1927 में इस में इस एक आयोग बनाया भी गया था दैट वाज साइमन कमीशन ये जो साइमन है साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड साइमन इन्हीं लॉर्ड साइमन ने इन्हीं लॉर्ड साइमन ने हमारी संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था चर्चिल ने नहीं कहा था चर्चिल ने कहा था संविधान सभा एक जाति की संस्था है और चर्चिल ने यह कहा था मुस्लिम लीग के द्वारा जब बहिष्कार किया गया तब उन्होंने यह कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है तो ये दोनों बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखें फिर देखिए भारतीय संविधान आधारशिला ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है और आजकल ये किताब हिंदी में अवेलेबल हो गई है ग्रैनविल ऑस्टिन की यह किताब भारतीय संविधान पर एक सुंदर टिप्पणी है भारतीय संविधान की बहुत सुंदर ढंग से इसमें व्याख्या की गई है ग्रैनविल ऑस्टिन का निधन भी अभी हुआ है भारतीय संविधान पर इनका जो काम किया गया इनका ये जो वर्क है उसको भारत सरकार ने इवन एप्रिशिएट किया है भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ का पद्मश्री ये पद्मश्री हमने ग्रैनविल ऑस्टिन को दिया है मैं यहाँ पर ग्रैनविल ऑस्टिन की चर्चा क्यों कर रहा हूँ ऑस्टिन के बारे में भी एक प्रश्न हो सकता है एक तो इनकी किताब का नाम याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन एक तो ये याद रखना दूसरा ऑस्टिन की जो टिप्पणी है लोग उसे आलोचना के रूप में लेते हैं और वो टिप्पणी क्या है उन्होंने कहा संविधान सभा के बारे में क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस के 208 लोग थे ऑस्टिन ने अपनी किताब में यह कहा संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है अर्थात ऐसा लगता है कि संविधान की दो तीन बड़ी आलोचना है एक तो कहते हैं हिंदुओं की संस्था ये भी मैं समझता हूं कि ये आलोचना नहीं है क्योंकि देश की जनसंख्या में हिंदुओं का सबसे ज्यादा प्रतिशत है तो ऑब्वियसली हिंदू लोग उसमें ज्यादा ही होंगे लेकिन संविधान सभा की एक बहुत बड़ी आलोचना है यह है कि वो संप्रभु संस्था नहीं थी उसके पास सॉवरेंटी नहीं थी उसको संविधान बनाने का अधिकार किसने दिया जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना नहीं था एकदम स्पष्ट कर दें संविधान सभा में देशी भारत से सदस्य मनोनीत किए गए थे और अंग्रेज भारत से सदस्य निर्वाचित किए गए थे लेकिन भारत की जनता ने इनका निर्वाचन नहीं किया यह रियालिटी है यह वास्तविकता है हमारे जो राज्य थे राज्यों में जो विधानमंडल काम कर रहे थे उन विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे इसलिए आलोचना में दम है लेकिन अगर चुनाव करवाते तो भी यही संविधान सभा बननी थी यही लोग चुनकर आने थे इसलिए इसको भी खारिज किया जा सकता है अगर हम लोग बात करें डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के बारे में तो दो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी चौबीस जनवरी को उस समय बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा करते हैं उनके योगदान को रेखांकित करते हैं उन्हें सैल्यूट करते हैं लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खुद का नंबर आया बोलने के लिए तब उन्होंने जो बोला वो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई भी एक अच्छा कार्य किया है तो वो अच्छा कार्य उनतीस अगस्त उन्नीस को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन करना है वो कहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में मेरे से ये जो काम हुआ है वो सबसे बढ़िया काम था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाद में जो काम संभाला वो वाकई में काबिल तारीफ था फिर वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से एक हवाई जहाज को चलाने में एक पायलट की भूमिका होती है ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्किल्ड पायलट एक दक्ष पायलट के रूप में हमारी संविधान सभा को संचालित किया प्रश्न आ सकता है सीधा प्रश्न आएगा संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें स्किल्ड पायलट दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें ऐसा कहा था इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है वो है केवी राव हमारे संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे केवी राव वो डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वह न केवल संविधान के जनक हैं बल्कि जननी भी है फादर एंड मदर टू डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के इन सदस्यों ने कहा था ये संविधान सभा के खुद सदस्य थे के वी राम तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें अब जानते होंगे इतिहास पढ़ा होगा खासकर नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ा होगा डॉक्टर अंबेडकर का अस्पृश्यता को लेकर जो आंदोलन चलाया गया मंदिरों में प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाया गया उन सबको पढ़ा होगा डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुओं की जो व्यवस्था में जिस प्रकार की जो कमी आती है उसका संकेत करते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुओं की व्यवस्था जिन स्मृतियों पर आधारित है उनकी बहुत कटु आलोचना करते हैं लेकिन आज जो भारत की व्यवस्था है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं तो इस प्रकार से संविधान सभा के बारे में जो बातें हो सकती थी हमने ये बातें की आप इनको थोड़ा ध्यान रखें एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारे संविधान में जो संशोधन करने की जो पावर है वो संसद के पास है एक बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है दूसरा हमारी जो संसद है इसकी पहली बैठक 13 मई उन्नीस को हो रही है मैंने कहा संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास संसद की पहली बैठक 13 मई उन्नीस को लेकिन आप लोग सर जानते होंगे प्रथम संविधान संशोधन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया 1951 में ही हो गया तो प्रश्न यह है कि जब संविधान में संशोधन संसद करती है संसद की पहली बैठक 13 मई उन्नीस को हो रही है संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हो रहा है ऐसे कैसे हो गया तो आपको याद रखना है हमारी जो संसद है वो संसद उन्नीस में जरूर अस्तित्व में आ रही है लेकिन हमारी संसद नवंबर उन्नीस जो संविधान सभा है वो संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करने लग जाती है नवंबर उन्नीस से और तब तक काम करती रहती है जब तक कि नई संसद नए संविधान के तहत अस्तित्व में नहीं आ जाती है इसका सीधा सा मतलब है कि प्रथम संविधान संशोधन उसी संविधान सभा ने किया जिसने संविधान का निर्माण किया अर्थात संविधान सभा ने ही संसद के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया जिसमें बहुत सारी बातें नाइन शेड्यूल वगैरह जोड़े गए ये सब बातें आपको याद रखनी है आप लोगों ने इतनी देर तक सुना अपने कमेंट में लगातार आप लोगों के देख रहा हूँ थैंक यू वेरी मच आप इसी प्रकार से सुनते रहें थैंक यू थैंक icon बटन टू सब्सक्राइब प्रेस आइकन एंड मिस अनदर अपडेट